हेलो गाइस, टुडे विल बी डिस्कस नाउ माइटोकांड्रिया। माइटो मींस होता है थ्रेड एंड कांड्रिया मींस होता है ग्रेन्यूल, यानी वह स्ट्रक्चर जो धागे नुमा कण होते हैं माइटोकांड्रिया कहलाते हैं। माइटोकांड्रिया क्या करता है, सेल के सारे सेल ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक, खोली करने ने स्टेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट की मसल्स मैंने देखा था, और सार्कोसोम नेम दिया था, क्या नाम दिया था, सार्कोसोम। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने फाइला नेम दिया था, एंड अल्टमैन ने बायोब्लास्ट नेम दिया था। निम्फिया प्लांट में भी उल्टा लिखा है, निम्फिया प्लांट हमारा निम्फिया का प्लांट मे बी साइंटिस्ट। इसकी डिस्कवरी प्लांट्स में की थी सी वेंडा ने, माइटोकांड्रिया टर्म कॉइन किया था। माइटोकांड्रिया एक्स्ट्रा नेम कांड्रियोसोम होता है। सेल का पावर हाउस सीक्वेड साइंटिस्ट ने दिया था, सेप एंड साइन माइटोकांड्रिया से 0.2 म्यू से सिंपल म्यू होता है, एंड स्मॉल ग्रेन्यूल्स एंड थिन फिलामेंट में के रूप में मिलते हैं। सी एचन की ओसाइट में इनका नंबर 3 लेग तक होता है। इनका प्राइमरी सेल्स में नंबर 200 से 300 होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइटोकांड्रिया, इसमें 2 मेम्ब्रेन एंड 2 चैम्बर्स होते हैं। देखते हैं, फर्स्ट ये डायग्राम देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मेम्ब्रेन इस टाइप से होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, स्मूथ एंड सेक्सी एंगस्ट्रॉम थिक होती है, एंड इसका माइटोकांड्रिया के चारों ओर से ये कवर्ड करती है। सेकंड मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की ओर होती है, इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद 2 चैम्बर होते हैं, ये आउटर चैम्बर और ये इनर चैम्बर, ओके। और इसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है, ये मैट्रिक्स फिल रहता है। तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये 64 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, एंड इसका आउटर मेम्ब्रेन अंदर की ओर प्रेजेंट होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम ब्रॉड प्लेसेस पर अलग अलग होती है। माइटोकांड्रिया की कैविटी में, स्टोमा में, स्मॉल ट्यूबल्स के रूम में प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी अंदर की ओर कुछ चैम्बर्स में डिवाइड होती है, तो ये चैम्बर्स होते हैं क्रिस्टी पर पाए जाते हैं, आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। माइटोकांड्रिया दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक
स्पेस होता है ये अबाउट 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होता है। इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। होता है इनर चैम्बर, ये चैम्बर इनर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है। किसके द्वारा? ये हमारी क्रिस्टिक स्ट्रक्चर होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ये क्रिस्टी होती है। ओके गाइस, हम देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी होती है, जिस पर एवन पार्टिकल ये लगे रहते हैं, जिन्हें एक्सिस होम या फरनानी मोरन पार्टिकल कहते हैं। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, ये देखो सर्कुलर डीएनए। और ये स्मॉल पॉइंटेड कैफेले मैट्रिक्स, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन। इसमें राइबोसोम पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, आरएनए पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स भी फिल रहती हैं। ओके फिर से आते हैं कहाँ पर, इनर चैम्बर। ये चैम्बर इनर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, ये मोस्ट ब्रॉड होता है, इसमें मैट्रिक्स भर रहता है। अभी दिखाया था हमने मैट्रिक्स फिल था। मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स स्मॉल प्रोटीन द्वारा घिरा रहता है, जिसमें 17 इस टाइप के राइबोसोम बताए, राइबोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम पाया जाता है। एंड डीएनए, डीएनए कौन सा होता है? सर्कुलर डीएनए, ये हमारा होता है सर्कुलर। राइबोसोम में हमारा होता है सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम होता है सर्कुलर डीएनए। आरएनए भी पाया जाता है, आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से बनी क्रिस्टी पर मैनी स्मॉल पार्टिकल पाए जाते हैं। इन पार्टिकल को एवन पार्टिकल या फर्नांडीज मोरन पार्टिकल या ऑक्सीसोम या एवन पार्टिकल कहते हैं। एवन पार्टिकल देख सकते हैं गाइस, एवन पार्टिकल पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम या फर्नांडीज मोरन पार्टिकल भी कहते हैं। एबन पार्टिकल हेड स्टॉक एंड बेस में डिवाइड होता है, देख सकते हैं। ये हमारा हेड, ये हेड हो गया, स्टॉक हो गया, और ये बेस जिस बेस पे लगा रहता है, बेस से स्टॉक जुड़ा होता है, इसके ऊपर हेड होता है। एबन पार्टिकल का क्या फंक्शन होता है? एबन पार्टिकल एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, तो मेन फंक्शन कहाँ से है? एटीपी का सिंथेसिस। एटीपी क्या करता है? हमें एनर्जी सेल का, सेल ऑर्गन्स को क्या करती है, सेल को कंप्लीट सेल को क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। केमिकल पोजीशन देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मेन पार्ट प्रोटीन राइबोसोम होगा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगी, और प्रोटीन पाई जाएगी तो प्रोटीन एंड लिपिड बनाते हैं। इससे प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो मोस्टली क्या होगी, प्रोटीन 65 से 70% प्रोटीन एंड 25% लिपिड पार्ट होगा। इसमें दोनों 90 से 99% पार्ट फॉस्फोलिपिड होता है। इसमें फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं। इसमें डीएनए आरएनए की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन एंड एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होते हैं? वर्क्स इन्हें कहते हैं फंक्शन। फंक्शन मीन्स कार्य।
तो फर्स्ट क्या होता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल ऑर्गन, जो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की केमिकल एनर्जी को क्रेब्स साइकिल एंड रेस्पायरेशन चेन के माध्यम से एटीपी की हाई एनर्जी के बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जिससे इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि क्या करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी से केमिकल एनर्जी के क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल द्वारा रेस्पायरेशन चेन के माध्यम से एटीपी के हाई एनर्जी के बॉन्ड में ट्रांसफर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसीलिए सेल का पावर हाउस जो सेल के मैनी वर्क्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, वर्क्स में लोकोमोशन कॉन्ट्रक्शन बायोसिंथेसिस एंड नर्व इम्पल्स ईटीसी का फंक्शन करता है, हीट फॉर्मेशन का भी फंक्शन करता है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन से एनर्जी एंड हीट द्वारा दोनों उत्पन्न होते हैं, जो एनर्जी के रूप में एटीपी के बंडल बनाते हैं, और हीट के द्वारा एनिमल्स बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, इस प्रोसेस को थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। और क्या करता है, ये योक फॉर्मेशन का भी फंक्शन करता है, योक फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होकर क्या करती है, ओसाइट का फॉर्मेशन में सिंथेसिस करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रेब्स साइकिल के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से हटाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के एक चेन से होकर गुजरते हैं, जो ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनाते हैं। इस प्रकार एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया की इन मेम्ब्रेन में क्रिस्टी में प्रेजेंट होते हैं, इन एंजाइम सेक्रेशन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटियोलिटिक एंजाइम सेक्रेशन करती है, जो प्रोटीन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और देखिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।